तो इसलिए आज फिर से एक बार संडे का दिन है, शाम 7 बजे से आपका टेस्ट होना है। सारे बच्चे शाम 7 बजे लाइव हो जाएंगे। ये टेस्ट हमारी विद्याकुल ऐप पे होगा, कैसे टेस्ट देना है। और सबसे बड़ी चीज, आप पिछली बार मैं देख रहा था बच्चे आंसर्स नहीं कर पा रहे थे, आंसर करने में उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बच्चे ज्यादातर कमेंट पे लिख करके आंसर कर रहे थे। तो ये नहीं करना है, क्या करना है उसकी सारी डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले, आप जो बच्चे नए आए हैं जिनको नहीं पता, वो क्या करेंगे, अभी जाके विद्याकुल की ऐप को डाउनलोड कर लेना। आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, विद्याकुल डालोगे, ऐप डाउनलोड करोगे। सबसे बड़ी बात बता दूं बच्चा, ये टेस्ट एकदम फ्री है, ऐप पे होगा, कोई भी बच्चा कहीं का भी बच्चा दे सकता है इस टेस्ट को। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है और इनाम भी आपके बढ़ा दिए गए हैं। जो पहले हमने एक मोबाइल देने का सोचा था, वो इनाम बढ़ा करके, क्योंकि हमसे गलती हुई थी तो इसलिए हमने उस इनाम को बढ़ाया, और अब बच्चों को 2 मोबाइल दिए जाएंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट रैंक के बच्चे को मोबाइल दिया जाएगा, सेकंड रैंक के बच्चे को मोबाइल दिया जाएगा। तो 2 मोबाइल दिए जाएंगे बच्चों को। तो क्या करना है, विद्याकुल के ऐप को डाउनलोड करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद अपनी पूरी प्रोफाइल को क्रिएट कर लोगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही टेस्ट मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। शाम 7 बजे आपको टेस्ट देना है ऐप पे जा करके, ठीक। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि आपका प्राइस क्या है। तो प्राइस के लिए समझ लो बेटा, आज का जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में जो हम प्राइस दे रहे हैं बच्चों को, वो दे रहे हैं Redmi 9A का फोन, ठीक है। जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको भी ये फोन मिलेगा, जो बच्चा सेकंड रैंक पर आएगा उसको भी फोन मिलेगा। तो पहले और दूसरे रैंक पे आने वाले सभी बच्चों को, ठीक है, हमारी तरफ से मोबाइल दिया जाएगा, ठीक है। तो पहली और दूसरी रैंक पे आने वाले सभी बच्चों को हमारी तरफ से मोबाइल दिया जाएगा, जो भी बच्चा पहली और दूसरी रैंक पे आता है, ठीक। तो प्राइस में आपका ये है, पहले हम एक फोन दे रहे थे, आज हम 2 फोन देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो 2 फोन देंगे फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को भी, सेकंड रैंक वाले बच्चे को भी, ठीक है। जो तीसरी रैंक पे बच्चा आएगा आज के टेस्ट में, जो भी बच्चा थर्ड रैंक पे आएगा, उस बच्चे को हमारी तरफ से हमारे विद्याकुल ऐप की टोटल फ्री एक्सेस दे दी जाएगी। मतलब वो ऐप के कोने कोने में कहीं पर भी जाकर के किसी भी कोर्स से भी जाकर के पढ़ना शुरू करेगा तो उसके एग्जाम तक उसको पूरी एक्सेस फ्री कर दी जाएगी। जो बच्चा हमारी चौथी रैंक पे आएगा, चौथी रैंक के बच्चों के लिए जो हमारा मास्टर रिवीजन बैच चल रहा है, अभी अभी 27 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 20 जनवरी से स्टार्ट होना था, थोड़ा सा लेट हो गया, तो 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो 27 जनवरी का जो हमारा रिवीजन मास्टर बैच स्टार्ट हुआ है, उसकी फ्री एक्सेस दे दी जाएगी जो बच्चा चौथी रैंक पे आएगा। 20 मतलब 4 बच्चे हटा दो तो हमारे पास कितने बच्चे बचेंगे, 16 बच्चे। तो टॉप 20 के जो 16 बच्चे होंगे, शुरू के 4 हटा करके जो 16 बच्चे होंगे, उन 16 बच्चों को, ठीक है, हमारी ऐप के किसी भी कोर्स में 20% का ऑफ होगा। मतलब कोई भी कोर्स है, जैसे हमारा 599 का मास्टर रिवीजन बैच है, तो इसको अगर आप लेते हो तो इसमें आपको ₹120 का डिस्काउंट मिलेगा। ये टॉप 20 के जो 16 बच्चे होंगे, शुरू के 4 हटाने के बाद, उन बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। फिजिक्स के आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20 होंगे, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी और मैथ के क्वेश्चन, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर मैथ वाला है तो बायो का क्या करेगा, बायो वाला है तो मैथ का क्या करेगा। तो बच्चों इसके लिए देखो, जो मैथ का बच्चा है वो बायो के क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा, और जो बायो का बच्चा है वो मैथ के क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। इनके थोड़ा सा नंबर आप क्वेश्चन भी घटाए गए हैं, जो 20-20 क्वेश्चन आने थे उन क्वेश्चन की संख्या आपकी 15-15 हो गई। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 15 क्वेश्चन बच्चों आपके बायो से होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 15 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है। और 20-20 क्वेश्चन किसके होंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। अच्छा, केमिस्ट्री में 30 सेकंड का टाइम होगा, फिजिक्स में, बायोलॉजी के क्वेश्चन में भी 30 सेकंड का टाइम होगा, और उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी 30 सेकंड का टाइम होगा। आंसर कैसे देना इस चीज को भी अभी समझा दे रहा हूं। मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उस पर 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट समय क्यों दिया जाएगा, क्योंकि पता है मैथ थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ती है, इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन में 1 मिनट का समय होगा, बाकी क्वेश्चन में 30-30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस होगा क्वेश्चन का, ठीक है।
अच्छा, तो ये आपको करना है शाम 7 बजे हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करोगे, ठीक है। शाम 7 बजे हमारी ऐप पे आ जाना, एकदम धमाल मचा देना, फिर वही ताकत दिखानी, वही जोश दिखाना है। पिछली बार लगभग लगभग 5,500 बच्चे आए थे, आंसर्स कैसे आपको देने हैं बेटा। यहाँ पे एक वीडियो क्लिप मैंने बनाई है आप लोग के लिए, ज्यादा नहीं 35 सेकंड की। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आया तो ये यहां पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मेरी बात को थोड़ा समझो, यहां पर आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद ये आपकी टाइमिंग चलती होगी स्क्रीन पे, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे हम भी दिखेंगे इसी तरह, बगल में जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे अभी उस समय भी दिखेंगे। बात को समझो, क्या होगा, क्वेश्चन होगा, यहाँ आपकी टाइमिंग चलेगी, नीचे जहां पे आपको कमेंट टाइप करना होता है, अगर आप लैंडस्केप में चलाओगे तो सीधे इसी तरह से ए बी सी डी, तो आपको कमेंट में लिख करके आंसर नहीं बताना है, आपको इन दिए गए आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो लीडर बोर्ड जो बेटा काउंट करता है वो दिए गए इन आप विकल्पों से चुने गए आंसर्स को टाइप करते वो काउंट